नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम समझने जा रहे हैं कि किस तरह से राजीव दीक्षित भाई ने हमारे को जो है समझाया है कि नींद का ना आना, उसके नुकसान, और इसके अलावा जो हमारा सुबह का जो लार होता है उसका उपयोग करते हुए किस तरह से हम कई रोगों को जो है अपने जीवन से बाहर कर सकते हैं, उनको खत्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आज हम शुरू करेंगे और ध्यान से अंत तक समझेंगे कि किस तरह से इस वीडियो के अंदर एक एक चीज को राजीव दीक्षित भाई ने हमारे को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, और इसको समझने के बाद हम इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। ज्यादातर प्रश्न जो है वो रोगों से संबंधित है, इस रोग में क्या करें, उस रोग में क्या करें। तो सबसे पहला प्रश्न जो मैं सबसे आसान मानता हूं, आंखों के नीचे काले धब्बे आ गए हैं तो क्या करें। मैं इसका उत्तर पहले दे चुका हूं, फिर दोहरा हूं आपको। सबसे अच्छा आसान उपाय मैं बता रहा हूं वो ये, जिनको भी डार्क सर्कल है सवेरे उठें, सबसे पहला जो आपका थूक है, मुंह का लार है, इसको आंखों के नीचे लगा के मालिश करें, हल्की हल्की मालिश करें, आपके सारे डार्क सर्कल खत्म हो जाएंगे। और ये जो सुबह का मुंह का लार है, इससे आप अपने त्वचा रोग भी ठीक कर सकते हैं। खाज है, खुजली है, दाद है, सोराइसिस है, इचियोसिस है, एक्जिमा है, हर जगह इसको अप्लाई करें और हल्की हल्की मालिश करें। कोई कहेगा कि बहुत ज्यादा शरीर में है तो इतना तो थूक बनता ही नहीं है, और पूरे शरीर पे लगाना पड़े तो ऐसी स्थिति में आप मुझे व्यक्तिगत रूप से शाम को 4 बजे मिलें, मैं आपको एक ऐसी दवा बता दूंगा या लिखा दूंगा जो थूक भी बढ़ा देगी और आपकी शरीर की खाज, खुजली, दाग, धब्बे सब मिटा देंगे। वो व्यक्तिगत है। नींद बराबर नहीं आती, नींद बराबर नहीं आती है तो इसका माने एक ही आप जान लीजिए कि आपके शरीर में अगर वात बढ़ा हुआ है, वायु बढ़ी हुई है, तो अच्छी नींद कभी नहीं आएगी। तो इसके लिए बहुत सरल उपाय मैंने बताया था, रात को गाय का घी हल्का गर्म करके दोनों नाक में डाल के सोएं। गाय का घी हल्का गर्म करके जब वो तरल हो जाए उतना ही गर्म करें और एक एक बूंद दोनों नाक में डालें और हल्के से खींचें, ज्यादा तेज नहीं, बस इतना इतना करेंगे अंदर चला जाएगा। बहुत खींचने की जरूरत नहीं क्योंकि आगे चला जाएगा, जहां नहीं जाना चाहिए वहां भी चला जा सकता है। तो हल्का खींचकर छोड़ दें और सो जाएं, भूल जाएं, फिर नींद बहुत अच्छी आएगी, खर्राटे बिल्कुल बंद हो जाएंगे, स्नोरिंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी। नींद के समय जो खराब खराब सपने आ रहे हैं वो सपने कभी आएंगे नहीं, अच्छे ही सपने आएंगे जब भी आएंगे। रात में नींद कभी खुलेगी नहीं, 6 घंटे के पहले आप उठेंगे नहीं कम से कम। रात की नींद खुलने का एक वो तकलीफ आ गया ना, पेशाब आती है, नींद खुल जाती है, घी डाल के सोएंगे तो रात को नींद कभी नहीं खुलेगी, 6, 6.5, 7 घंटे के बाद ही खुल। और बच्चों को तो जरूर करें, इससे और एक फायदा होगा, स्मरण शक्ति बढ़ेगी। किसी को प्रश्न है कि दिन भर नींद आती रहती है, क्या करें। वैसे तो नींद आए तो अच्छा है, लेकिन दिन भर नींद आए तो अच्छा नहीं है, तो क्या करें। इसका मतलब यह है कि आपके शरीर में एक क्षार बहुत कम है, और ये वही क्षार है जो आपको सबसे ज्यादा मिलता है चूने से। जिनको दिन भर नींद आती है वो चूना खाएं, मट्ठे में मिला के, छाछ में मिला के। नारियल का तेल बालों में जरूर लगाएं, किसी ने पूछा है, लगाएं, जरूर लगाएं। नारियल का तेल आप खा भी सकते हैं क्योंकि आप चेन्नई में रहते हैं, अगर आप पटना में रहेंगे तो नहीं खा सकते नारियल का तेल, चेन्नई में रहते हैं तो जरूर खा सकते। मालिश करना चाहें जरूर करें। एक सुझाव है, प्रश्न नहीं है, और वो सुझाव मुझे स्वीकार है। वो ये कहते हैं कि आप चले गए उसके बाद क्या, तो उसके बाद ये व्यवस्था या अभियान या ये बातें या ये ज्ञान सतत निरंतर चलता रहे, इसके लिए आपकी मेरी एक छोटी सी कोई एक एडजस्टमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा। मैं ये चाहता हूं कि जो कुछ मैंने सीखा वो आप सीख लो। हाँ, और बाबूजी बोलेंगे, वैसे मेरा ऐसा कहना है, जो मैंने सीखा वो आप सीख लो, उतना ही सीख लो जितना मेरे पास है, फिर आप उससे आगे भी सीख सकते हैं और ये दूसरों को सिखाते जाएं। तो नियमित रूप से ऐसी व्यवस्था अगर आप सब मिलके करें, मुझे स्वीकारें। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज हमने समझा कि किस तरह से हम जो है कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जिनका उपयोग करके बहुत सरल तरीके से बड़े गंभीर रोगों से जो है बाहर आ सकते हैं, जिसमें नींद का ना आना, हमारे शरीर में वात का अधिक होना और
सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर यह समझने वाली है कि आयुष मिनिस्ट्री ने इस समय तमाम जो है कई गांवों के अंदर, जिसमें से मैं आपको एक दिल्ली के पास एक डावर खेड़ा नाम का गांव है जो मैं आपको बता भी देता हूँ, वहां पर एक हॉस्पिटल है और ये सारे के सारे जो हॉस्पिटल्स है ये निःशुल्क आयुर्वेदा के हॉस्पिटल है जिनके अंदर आपको दवाइयां भी वहां से फ्री मिलती है, ना कि केवल कंसल्टेशन। और ये सरकारी हॉस्पिटल्स है जिनके अंदर आप जो है किसी भी रोग का जो है इलाज करवा सकते हैं। और चमड़ी से जो संबंधित रोग है उसका इलाज इस वीडियो के अंदर बताया गया है, साथ में इसमें जो है नींद का ना आना वो इस वीडियो में बताया गया है, और कितने सरल तरीके से राजीव दीक्षित भाई ने ये बताया और ये समझाया है कि हमें जो है इन सभी बीमारियों से किस तरह से उभरना है और किस तरह से बाहर आना है। तो दोस्तों आज उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, परंतु इसमें एक बात यह है कि जो हमारे लिए समझने वाली इम्पोर्टेंट है, हमारे भारतीय समाज के लिए समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें इस मिशन को जो कि राजीव भाई ने, राजीव दीक्षित जी ने जिसको चलाया था, हमें इस मिशन को आगे लेके जाना है, यहाँ पर रोकना नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो वीडियोस जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये वीडियोस हर भारतीय के मोबाइल पर हों, ताकि हमारा जीवन जो है रोग मुक्त हो सके, हमारा जीवन सरल हो सके, और किस तरह से हम अपने किचन के अंदर से ही उपयोगी वस्तुओं को उपयोग करते हुए जो है इन बीमारियों को शिकस्त दे सके। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप सब मेरा साथ देंगे और हम सब मिलकर जो है राजीव दीक्षित भाई का जो ये मिशन है इसको आगे बढ़ाएंगे, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह से हम भारत को स्वस्थ बनाएंगे, भारत को अग्रणीय करेंगे स्वास्थ्य संबंधित जितनी भी ये जो दिक्कतें हैं इनके अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो को प्लीज जितना हो सके शेयर करें और आगे पहुंचाएं, जिससे कि हमारे भारतीय समाज का कल्याण हो सके। आज के लिए दोस्तों इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।